हेलो दोस्तों, दोस्तों आपका दोस्त मैं सुबह दोस्तों एक बार हाजिर हूँ फिर से नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आज अपन आप देख रहे जयपुर आए हुए पिंक सिटी, तो पीछे आप देख रहे जंतर मंतर है। आइए दोस्तों जंतर मंतर घूमते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जंतर मंतर में क्या है, ऐसे क्या क्या, क्या खासियत है। आइए दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो जंतर मंतर है जो जयपुर में है जो पिंक सिटी में, मैं आपको बताऊँ कि ओनली यहाँ पे क्या है, गणना से संबंधित है, जैसे समय कैलकुलेशन हो गया, यहाँ पे कुछ राशियों के संबंधित हो गया। और अपन उस पहले के ज़माने में क्या ही जन्म पत्रियाँ होती, जब बच्चे होते थे तो उनकी जन्म पत्रियाँ शुभ है अशुभ है, राशियों का मेल है जिनका लगन है उस हिसाब से चलता था। क्योंकि मैं दोस्तों आपको बताऊं कि 300 साल पहले ऐसे कुछ नहीं था। तो मैं महाराजा जयसिंह ने आपको मैं बताऊँ कि 5 वेदशालाएँ पूरे भारत में स्थापित की थी। मैं आपको बता दूँ, एक दिल्ली में थी, एक बनारस में थी, एक आगरा में थी शायद, और एक मेरे हिसाब से थी तो आगरा वाली जो ये वेदशाला है, ये उसको जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम पे उसको कहने का मतलब वो उसको बंद कर दिया या उस पर युद्ध होगा, अटैक हो गया तो वो ऐसे लॉस्ट होगी। वैसे भारत में 4 ही वेदशालाएं चालू हैं जो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनाई है। और महाराजा जयसिंह द्वितीय के नाम से जैसे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएगी, जयगढ़ मिल जाएगा आपको, जंतर मंत्र मिल जाएगा, जलमहल मिल जाएगा। और जयपुर जिनकी जिन्होंने जयपुर की स्थापना 1727 में की थी, महाराजा जयसिंह ने की थी। आइए और आप आपको आगे का और बताता हूँ थोड़ा सा, आइए मेरे साथ। दोस्तों आपका जंतर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप पीछे आप देख पा रहे होंगे, देखिए उस जमाने में, एक तो आपको मैं बता दूं ये जंतर मंत्र 300 साल पुराना है। यहाँ पे आप सारी चीज आप देख रहे हो। पहले तो आप बताओ जंतर मंत्र का नाम है, जंतर मंत्र का नाम इसलिए, जंतर का मतलब एक तो यंत्र होता है और मंत्र का मतलब कुछ गणना, यानी कुछ यहाँ पे सारी चीजें गणना संबंधित है। तो आप पीछे आप देख रहे हो ये समय, उस जमाने में समय कैसे काउंट होता था वैसे है। और आपको मैं बताऊँ ये देखिए सब पे लिखा है, देखिए ये समय काउंट करने के लिए। और ये देखो राउंड सर्किल में संगमरमर के पत्थर, मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा आगे, ये मैं दिखाता हूँ, आइए ये देखिए आगे आइए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो है टाइमिंग है सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक, और वो 12 से लेके फिर ऐसे तो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो जब सूर्य की जब किरणें गिरती है इन पे, तो देखिए इस पे कभी नहीं गिर पा रही। कहने का मतलब सुबह 6 से 12 का टाइम वाला गया, इसका मतलब आगे वाला है। तो जब भी इस पे गिरती है तो लिखा हुआ है, देखिए आप मैं आपको बताऊँ, देखिए ये देखिए अरे देखिए 15 15 15 15 करके ऐसे देखिए, ये पूरा 1 घंटा हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 घंटे हो गए, उसी प्रकार सेम ऐसे ही है। तो इसमें क्या होता है कि गणना करने के लिए होता है जब, क्योंकि ये 6 से 12 के, इसके बाद में आपको मैं आगे की तरफ दिखाऊं। इधर आइए एक बार, आप मेरे सामने देख पा रहे हो, देखिए सूरज की किरणें, देखिए वहां संगमरमर के, देखिए 2 पत्थर के अलावा तीसरे पत्थर पे थोड़ी सी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आप समझ रहे हो आप, इसका मतलब कि इसमें है जो बीच वाले में है। तो इसका मतलब आपको बताऊं 1 या 2, मतलब 6 बजने में थोड़ा सा मिनट बाकी है, नहीं 2 घंटे कुछ मिनट बाकी, समझ गए इसका मतलब। थोड़ा सा आगे की तरफ और दिमाग दिखाऊंगा, देखिए ये दूर जब तारा देखा जाता है, ये बेटा उत्तर दिशा है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए जब कभी भी आप दूर तारा 8 बजे के बाद देखो तो यहाँ से देख पाओगे, देखिए ऐसे ऐसे, तो आप ऐसे देखोगे तो आपको हमेशा दूर तारा दिखेगा, हर 12 महीने दिखेगा दूर तारा। इससे आप ऐसे देखोगे जब 8 बजे के बाद में या दूर तारा दिखेगा। आइए आप आगे की तरफ दिखाऊं, आइए आगे की तरफ, ये आप देख पा रहे हो, ये देखिए नाड़ी वाले दक्षिणा गोल है, ऐसी अपोजिट है, ये आप मेरे सामने देख पा रहे हो। 6 महीने का टाइमिंग है, तो क्योंकि अपने राजस्थान में बेसिकली होता क्या है कि 6 महीने सर्दी और वैसे गर्मी वगैरह है। तो देखिए इस पे देखिए छांव पड़ रही होगी मेरे हिसाब से, आप देखिए आप थोड़ा देख पा रहे हो, देखिए देख पा रहे हो, और उस साइड में बिल्कुल छांव नहीं है, कहने का मतलब ये देखिए 4 पे आ रही है, देखिए। और मैं टाइमिंग बताऊं, हाँ ये देखिए जब ये पड़ रहा है, देखिए ये छांव पड़ रही है 4, और ये देखिए 1 2 3 4 5 ही है, और उस साइड में सेम ऐसे ही है, उसमें नहीं पड़ रही, आप देख लो एक बार उधर भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए
ये देखिए इस पे कोई सूर्य की परछाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये व्रक नहीं कर रहा। जब सूर्य की परछाई इस पे गिरेगी तो ये व्रक करेगा, और उस पे नहीं गिर रही तो इस पे, दोनों में से एक पे गिरेगी। आओ आगे की तरफ। इस जंतर मंत्र में ओनली पूरी कैलकुलेशन पे डिपेंड है, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ओनली कैलकुलेशन है। उस जमाने में घड़ी वगैरह नहीं होती थी, इन परछाइयों की सूर्य की किरणों से ही लोग कैलकुलेशन करते थे। और मैं बात करूं इस जंतर मंत्र की स्थापना की, इस जंतर मंत्र की स्थापना स्वाई राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। आइए और आपको दिखाता हूँ, देखिए आगे का जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो, ये राशि वगैरह देखने के लिए, जैसे कुंभ है, मकर है, मीन है, ये अपन राशियाँ वगैरह देखते हैं जी। और इसका दूसरा भाग उसमें है उस तरफ, आइए मैं दिखाऊँ, देखिए जैसे जैसे इसका प्रकाश जैसे जैसे होगा कि इसका इसको हिलाते हैं ऐसे, तो उसमें अपन राशि वगैरह देखते हैं, अपनी कुंभ राशि है, मकर राशि है, उसी के हिसाब से राजा महाराजाओं के जब जन्म होते थे तो उसी हिसाब से इन्हीं के हिसाब से कैलकुलेशन करता, उस टाइम पे नहीं चलता था। और वो उस सामने जो सामने देख पा रहे हैं, देखिए आपको घड़ी सी लग रही होगी, पहले ये रोटेट होती थी, तो रोटेट होती तो देखते थे कि भाई सूर्य का, और आपको मैं बता दूँ जयपुर का जो अक्षांश है वो 27 डिग्री पे है, आपको जो सारी चीज़ें 27 डिग्री पे मिलेगी, सारी चीज़ें कहीं भी चीज़ 27 डिग्री पे मिलेगी। पहले रोटेट होती थी दोनों चीज़ें, लेकिन क्या कुछ आप सेल्फी लेने के चक्कर में, फोटो लेने के चक्कर में इनको परमानेंट कर दिया। दूसरा देख अपन उस तरफ और चलते हैं, देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये अपनी राशियां वगैरह काम करती है, जैसे कुंभ है आपको देखो स्कॉर्पियो राशि है कैसे काम करती है। आइए आगे की तरफ कि कौन सी राशि का क्या लगन रहेगा, क्या है क्या नहीं, देखिए तुला राशि का है, देखिए आप इधर, और ये सारा इन पत्थरों पर चलता था, देखिए नंबरिंग लगे हुए हैं, जैसे जैसे प्रकाश था उनसे चेक करते प्रकाश, फिर राशियों पे देखते तुला राशि का क्या, इन राज परिवारों में होता क्या है, उस जमाने में घड़ी नहीं होती थी, इन राशियों पे चलता था। पंडित लोग कहते थे कि महाराज ऐसा है, इन राशियों पे चलते थे, देखिए पूरा सभी राशियों को दिखा रखा है, देखिए अरे देखिए आपको कर्क रेखा भी कर्क मिल जाएगी, वृश्चिक मिल जाएगी, स्कॉर्पियो मिल जाएगी, देखिए कन्या राशि मिल जाएगी, तो पूरा राशियों को बना रखा है, देखिए आप, देखिए आप सारा, क्योंकि उस जमाने में कौन सा फंक्शन क्या क्या करना है, क्या नहीं है, क्या शुभ है, कौन सा अशुभ है, उसी हिसाब से है। और आपको एक अच्छी चीज़ और दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ, आप देख पा रहे होंगे, देखिए दोस्तों ये आपको मैं बताऊँ, ये देखिए धूप पड़ रही है, देखिए आप सीढ़ियों पे देखिए नीचे की तरफ है, इसका ओनली मतलब यही था कि जहाँ से इसकी धूप पड़ रही है धूप को ही यांत्रिक कैलकुलेशन करना, इसका मतलब यही था। और पहले जब राजा महाराजा तो वहाँ पर झंडा लगाते थे उस कोने पर, देखिए पत्थर लग रहा है, अभी वो नहीं लगाते, इसका गेट भी बंद कर दिया है क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे है, उसी कारण से बंद कर दिया, बाकी और कुछ नहीं इसका। आओ थोड़ा सा अपन आगे की तरफ आते हैं, देखिए सामने भैरव मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है, जब यह जंतर मंत्र की स्थापना उसी टाइम पे उनको स्थापित किया था भैरव मंदिर को। और आइए आपको आगे और दिखाता हूँ, देखिए और यही कैलकुलेशन इसमें था नीचे से, ये कोई ज़्यादा खास है नहीं, बस इसी में जो कैलकुलेशन ऐसे था। आओ आगे की तरफ बताओ, ये देखिए रामायंत्र भी है, ये भी एज इट इज जैसे मैंने आपको पीछे वाले जो कैलकुलेशन थी सेम ऐसी ही है, इन पे सूर्य की जो किरणें गिरती थी, और किरणें के आपको मैं आगे का और दिखाऊँ, देखिए जब सूर्य की किरणें इन पर गिरती थी, देखिए और इन्हीं के हिसाब से इन पर कैलकुलेशन होता, देखिए नंबरिंग लगी हुआ, देखिए देखिए, तो ओनली ये भी कैलकुलेशन की जाती थी इन पे 10 है 15 जैसे टाइमिंग वगैरह का है। और आपको मैं आगे और दिखाऊं, आइए मेरे साथ, और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए दोस्तों, आइए मेरे साथ, ये भी ओनली कैलकुलेशन ही होती थी, देखिए जैसे सूर्य की किरणें पड़ती थी इन पे, ओनली कैलकुलेशन होती थी, देखिए ये देखिए आपको मैं बताऊँ, ये देखिए, और अपन चलते हैं फिर से, आपको मैं आगे को और दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, ये जो अपने अभी कैलकुलेशन की थी, तो मैं आपको बताऊँ जयपुर का जो अक्षांश था 27 डिग्री का है, और आप पीछे देख पा रहे होंगे, मैं अभी आप जैसे अभी अपन जो कैलकुलेशन की थी, मैंने अभी आपको जैसे 4:10 का टाइमिंग बताया था, तो अपन 4:10 के टाइम पर यदि अपन 13 मिनट और जोड़ देंगे तो एक्चुअल टाइम आ जाएगा अपना, क्योंकि उस जमाने में दोस्तों आपको बताऊँ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी आधुनिकरण नहीं था, लेकिन महाराजा जयसिंह ने बहुत अच्छा
अपनी मेहनत और लगन से बहुत अच्छा बनाया है। देखिए मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ शानदार, आइए दोस्तों अपन आगे की बात करें। देखिए अपन ये इस जो यंत्र आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं यंत्र राज। दोस्तों मैं इस यंत्र राज की बात करूँ तो ये 8 धातुओं से मिलकर बना है, अष्ट धातु बोलते हैं इसमें। दोस्तों आपको बताओ इसमें होता क्या था कि उस जमाने में 27 राशियों का योग है। उस जमाने में किस राशि में क्या लगन है, शुभ है कि अशुभ है, ये देखिए। जैसे आप देखिए बीच में एक आपको एक छेद सा दिखाई दे रहा होगा, देखिए बीच में, और इससे ऐसे देखते हुए देखिए आप थोड़ा सा आगे की तरफ देखो इसमें नाम लिखे हुए हैं। देखिए अलग अलग राशियों के नाम लिखे हुए, देखिए अलग अलग राशियों के नाम लिखे हुए देखिए आप। तो इससे ऐसे पता चलता था कि कौन सी राशि में क्या शुभ है कि अशुभ है। और जस्ट आप मेरे सामने देख पा रहे हो इसका मॉडल है, पहले ऐसे बनाया था फिर इसको मॉडिफाइड करके ऐसे बनाया था, ये देखिए आप। और आइए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको ये जो वीडियो है कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी प्रकार आप अपना प्यार दिखाते रहिए। दोस्तों मैंने जो जंतर मंत्र है वो आपको ब्रीफली दिखाया है पूरा, जो मेरे नॉलेज में था बिल्कुल है। और फिर भी कुछ आपको कुछ भी कमी या कुछ भी आपको रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो ये राजा यहाँ के जयपुर के राजा जयसिंह जी ने बनाया है, वास्तव में आप बिल्कुल घूमने आइए। वास्तव में जयपुर अपनी शान आन बान शान के लिए फेमस है राजस्थान में, तो अपन है तो दोस्तों उसी के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उसके लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू।